मांडू के नालचा में जेएस के कार्यकर्ताओं द्वारा विश्व आदिवासी दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। चल समारोह नालचा शिव मंदिर पुलिया से नालचा मेन बाजार से होते हुए हाई सेकेंडरी स्कूल पहुंचा, जहां इसका समापन किया गया। समापन के मौके पर जनसभा का आयोजन भी किया गया। वहीं रैली का कांग्रेस और भीमसेना ने मंच के माध्यम से स्वागत भी किया। वहीं अब की बार निकाले गए जुलूस में तिरंगे झंडे की भी धूम रही और शबरी माता की झांकी भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। संघर्ष करते आए हैं जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे। आज जो हमने विश्व आदिवासी दिवस ब्लॉक स्तर पे जो मनाया है, ये प्रत्येक गांव से लोग जो हमारे जेएस संगठन के युवा साथी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, वो प्रत्येक गांव से अपनी अपनी अलग अलग रैलियों के माध्यम से आए और नालचा में शिव मंदिर बड़ी पुलिया से सभी एकत्रित होके वहां से हमने जुलूस स्टार्ट किया। और जो कि शासकीय बालक उत्कृष्ट विद्यालय नालचा के जो प्रांगण में हमने हमारा जो संबोधन कार्यक्रम रखा और युवाओं को जागरूक करने के लिए हमारे जेएस ब्लॉक नालचा के सभी पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। माता शक्ति और युवा साथी और हमारे आदिवासी समाज के सभी वर्ग को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर बढ़ावा और हमारे आदिवासी समाज की जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसको बनाए रखें और उसको आगे बढ़ाएं। इसी के उद्देश्य को लेकर हमने हमारे संगठन को आगे लाए हैं। आपका नाम? गोकुल गिरवाल, जेएस ब्लॉक अध्यक्ष नालचा। विश्व आदिवासी दिवस हमने ब्लॉक स्तर पर मनाया है, जो जिसकी जिसका रूट नालचा शिव मंदिर से लगाकर स्कूल ग्राउंड तक रखा था, जिसमें डीजे के माध्यम से आए थे आदिवासी परंपरा वेशभूषा में। और मैं यहाँ के आदिवासी युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ, जिस तरह आप इस वर्ष आए, वैसे ही प्रतिवर्ष आप इसी तरह हिस्सा लें। जय आदिवासी। आपका नाम? जीतू कटारे, जय संरक्षक नालचा।